नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं दीपक डोभाल। 2019 के चुनावी रण में कांग्रेस धीरे धीरे अकेली पड़ती जा रही है, जिस महागठबंधन के दम पर राहुल गांधी को चुनौती देने राहुल गांधी निकले थे, उस महागठबंधन में सियासी दल अपनी ही कांग्रेस मुक्त खिचड़ी पका रहे हैं। यूपी में कांग्रेस ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो मायावती और अखिलेश ने मुंह फेर लिया। बिहार में आरजेडी से गठबंधन तो हुआ है पर सीटें तय नहीं हो पाई हैं। ऊपर से तेजस्वी ने यूपी आकर कांग्रेस के बैरी बन चुकी मायावती से आशीर्वाद लिया तो अखिलेश से भी खूब गलबैयां की। और तो और, तेजस्वी ने बिना कांग्रेस के हुए सपा बसपा गठबंधन को देश हित में करार दिया। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि अच्छा हुआ दोनों साथ दल आ गए, अब दोनों को एक साथ निपटाने में आसानी होगी। बहरहाल, मोदी विरोध की यह मुहिम कई सवाल खड़े कर रही है। ये ऐसे सवाल हैं जो कांग्रेस के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी का यूपी जाना क्या कहानी कहता है? क्या पक रहा है मोदी विरोधी कुनबे में? कांग्रेस से किनारा करने वाले दलों से कांग्रेस के ही करीबी आखिर क्यों मिल रहे हैं? ये पूरी कहानी और इससे जुड़े तमाम सवाल आज देश की बात में। ...2019 में मोदी का विरोध सियासी फलक पर अजीबोगरीब कहानियां लिखवा रहा है। बिहार में कांग्रेस के सहारे सियासी किश्ती पार लगाने का सपना देखने वाले तेजस्वी यूपी में अलग नाव पर सवार हैं। जिन मायावती और अखिलेश यादव ने कांग्रेस से गठबंधन करने से तौबा कर ली, उन्हीं मायावती और अखिलेश यादव से तेजस्वी ने भरपूर आशीर्वाद लिया। पहले मायावती के पैर छुए, फिर अखिलेश यादव से बड़े भाई जैसा प्यार पाया। मायावती ने तो बीजेपी पर लालू प्रसाद यादव के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगा दिया। अच्छी बात यह है कि उनके परिवार के लोगों का उनका भी मनोबल बढ़ा है और एक डॉक्टरों का वो मुकाबला कर रहे हैं। अब उनके बेटे हैं तो उनका मनोबल बढ़ रहा है और हम भी उनके साथ हैं, तो इसलिए हम लोग इस किस्म के डॉक्टरों को मजबूत नहीं होने देंगे। मायावती के जन्मदिन के ठीक पहले हुई इस मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल कई हैं और जवाब फिलहाल धुंधले। कांग्रेस पहले ही यूपी की तपती सियासत में अपने हाथ जला चुकी है। ऐसे में क्या तेजस्वी यादव कांग्रेस की पैरवी के लिए दोनों नेताओं से मिले? हालांकि इसके विपरीत दूसरा पक्ष ये है कि बिहार में सीट बंटवारे पर कांग्रेस को बैकफुट पर डालने के लिए भी ये दौरा हो सकता है। कयास ये भी है कि तेजस्वी क्या लालू परिवार की ओर से खुद के राजनीतिक वजूद को स्थापित करने के लिए यूपी आए हैं। यहां तक कि अटकलें इस बात की भी हैं कि तेजस्वी ने अपने जीजा राहुल यादव को गाजियाबाद से टिकट दिलाने की पैरवी की है। बहरहाल, तेजस्वी अखिलेश यादव से भी मिले दोनों के निशाने पर। यूं तो बीजेपी ही थी पर कांग्रेस के पक्ष में भी कोई खास बात नहीं निकली। देखिएगा, काफी बड़े तादाद में लोगों का समर्थन इस गठबंधन को मिला और मुझे पूरा विश्वास है, यूपी की जनता पर विश्वास है कि आने वाले चुनाव में ये पूरी तरीके से इस गठबंधन को समर्थन देने का काम करेंगे। दिल्ली से लेकर के कलकत्ता तक और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हर जगह लोग खड़े हैं, इसलिए क्योंकि पांच साल में हर वर्ग को धोखा दिया है। जिस अंदाज में तेजस्वी यादव ने माया मुलायम गठजोड़ को देश हित में बताया और इसे लालू के सपने के पूरे होने जैसा बताया, उससे कयास ये भी लग रहे हैं कि तेजस्वी ने कांग्रेस को एक तल्ख संदेश देने की कोशिश की है। तो क्या तेजस्वी कांग्रेस पर दबाव की राजनीति के तहत माया अखिलेश से मुलाकात करने पहुंचे? बिहार में कांग्रेस से दोस्ती कहीं तेजस्वी पर भारी तो नहीं पड़ रही? क्या यूपी की तरह ही बिहार में सीटों को लेकर कांग्रेस बैकफुट पर रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बीजेपी के खिलाफ बनने वाला महागठबंधन ही कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी आज देश की बात। तो बड़ा दिलचस्प सिनारियो है। बिहार में थामा हुआ है कांग्रेस का हाथ और यूपी में
कांग्रेस बैरियों के साथ। आखिर ये कौन सी राजनीति है जिसका मुजाहरा तेजस्वी यादव ने किया है, ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा। और इस पूरी बहस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूरा पैनल मौजूद है। आइए सबसे पहले अपने पैनल से आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ हैं के शर्मा जी, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, 30 साल से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव रखते हैं, लंबे समय तक बीजेपी का मीडिया कोऑर्डिनेशन भी संभालते रहे। बहुत बहुत स्वागत है के शर्मा आपका। हमारे साथ हैं अलीमुद्दीन खान, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, भारतीय राजनीति पर बेबाक राय रखते हैं और लेखक भी हैं। अलीमुद्दीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रामानुज प्रसाद, जो कि प्रवक्ता हैं आरजेडी के, सोनपुर सारण से विधायक हैं, टीवी डिबेट्स में आरजेडी का पक्ष रखते हैं, बिहार की राजनीति पर खासी पकड़ भी है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रामानुज। हमारे साथ हैं राजीव रंजन, जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू के, सोशल वर्क में आपने एमए किया है, सामाजिक मुद्दों पर आप लिखते रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अधिकारों को लेकर लड़ाई भी लड़ते रहे हैं। राजीव रंजन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं राजकुमार भाटी, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से लॉ ग्रेजुएट हैं और समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। हमारे साथ टीवी डिबेट्स में हमेशा रहते हैं साथ में। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर राजकुमार भाटी आपका। और हमारे साथ हैं अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हैं, 30 साल से ज्यादा का पत्रकारिता का अनुभव रखते हैं, राष्ट्रीय हो या क्षेत्रीय हो, तमाम पत्र पत्रिकाओं में उनके नियमित कॉलम आप और हम लिखते पढ़ते देखते सकते हैं उनको, और हम पढ़ते रहते हैं उनके राजनीतिक पर लिखे हुए लेखों को भी, बेबाक राय रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अवधेश कुमार आपका इस शो में। चलिए तो ये है हमारा पैनल और अब शो की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह रैपिड फायर राउंड से। रैपिड फायर राउंड में आपको हम 3 सवाल पूछते हैं अपने पैनलिस्ट से और उन सवालों के जवाब आपको हाँ या ना में देना होता है या कहना होता है नो कमेंट्स। लेकिन हमेशा की तरह हमारी और जनता की अपेक्षा अपने मेहमानों से यही रहती है कि हाँ या ना में जवाब दें ताकि हम उसका विश्लेषण आगे कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड। और रैपिड फायर राउंड का पहला सवाल, क्या माया अखिलेश से तेजस्वी का मिलना कांग्रेस के लिए बुरी खबर है? यह है आज का पहला रैपिड फायर राउंड सवाल। के शर्मा, आपसे शुरुआत करते हैं। ये बुरी खबर क्या, ये तो पहले से अंतर्द्वंद है जो सामने है। हाँ या ना सर? हाँ भाई, इसको बुरी ही मानी। ठीक है, हाँ। अलीमुद्दीन खान, नहीं नहीं। डॉक्टर रामानुज प्रसाद, आपका जवाब? नहीं, ये अच्छी खबर है। ओके, फासवादी शक्ति को हटाना है देश से, संविधान के लुटेरा को हटाना है। ठीक है सर, ठीक है, जो सेकुलर और सोशलिस्ट, ठीक है सर, ठीक है, आऊंगा, विस्तार से चर्चा करेंगे, आगे करेंगे इस पे। राजीव रंजन, नो कमेंट, नो कमेंट्स। राजकुमार भाटी साहब, नहीं नहीं। अवधेश कुमार, हाँ हाँ। चलिए तो ये था हमारा रैपिड फायर राउंड का पहला सवाल, जिस पर अलग अलग टिप्पणियां आई हैं। बड़ा दिलचस्प होगा इस टिप्पणी पर आगे विश्लेषण करना। फिलहाल रैपिड फायर राउंड का दूसरा सवाल, क्या सीट बंटवारे पर यूपी की तरह बिहार में भी कांग्रेस पर दबाव है? सीट बंटवारे पर दबाव है क्या, के शर्मा? हाँ बिल्कुल है। ठीक है सर। अलीमुद्दीन खान साहब, नहीं नहीं। डॉक्टर रामानुज, कोई दबाव नहीं है। ठीक है सर। राजीव रंजन, हाँ दबाव है। राजकुमार भाटी साहब, नो कमेंट, नो कमेंट्स। अवधेश जी, हाँ ठीक, दबाव है। तो ये था हमारा दूसरा रैपिड फायर राउंड का सवाल और अब है रैपिड फायर राउंड का तीसरा और आखिरी सवाल, क्या यूपी में 80 सीटों पर लड़ने का फैसला करके कांग्रेस फंस गई है? के शर्मा, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। अलीमुद्दीन खान,
नहीं नहीं। डॉक्टर रामानुज कहीं नहीं फंसी है, वो लड़ना है, हटाना है फांसीवादी शक्ति को। ठीक है सर। राजीव रंजन साहब निश्चित तौर पर दबाव है। ठीक, फंस गई है। राजकुमार जी नहीं नहीं। अवधेश जी हाँ, फंस गई है। चलिए तो ये थे हमारे आज का रैपिड फायर राउंड और अब बारी है आज के कड़क सवाल की और कड़क सवाल पूछते हैं हम अपनी प्यारी जनता से और जनता को देना होता है इसका जवाब। आज का कड़क सवाल ये रहा, क्या महागठबंधन में कांग्रेस की भूमिका लगातार सिमटती जा रही है? क्या महागठबंधन में कांग्रेस की भूमिका लगातार सिमटती जा रही है? यह है हमारा आज का कड़क सवाल जो हमने पूछा है अपनी जनता से और जनता इसका जवाब जी बिजनेस ऑनलाइन पर जाकर हमारे फेसबुक पेज पर जाकर दे सकती है यस या नो में और ट्विटर हैंडल पर जाकर @ZBusiness पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और आपकी जितनी भी प्रतिक्रियाएं हैं जो भी इस पोल का रिजल्ट है वो हम शामिल करेंगे इस शो के आखिर में और न सिर्फ शामिल करेंगे बल्कि हम इस पर तमाम दर्शक जो हमारे मेहमान हैं उनके साथ विश्लेषण भी करेंगे। चलिए तो अब पैनल से विस्तार में इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं और सबसे पहले चलते हैं के शर्मा साहब के पास। के शर्मा, बीजेपी ने आज इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देखा? तेजस्वी यादव आते हैं, तेजस्वी यादव अच्छे तरीके से जानते हैं कि कुछ ही दिनों पहले मायावती और अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पहली बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें यह ऐलान किया गया कि हम कांग्रेस के बिना साथ साथ चुनाव लड़ेंगे, बिहार में आप कांग्रेस के साथ हैं। ये जानते हुए तेजस्वी यादव का यूपी में आना, मायावती का आशीर्वाद लेना, अखिलेश यादव के साथ भाईचारा दिखाना, क्या तेजस्वी यादव की इस मुहिम को बीजेपी किस तरह से देखती है? देखिए, इसमें कोई दीपक जी आश्चर्य नहीं है क्योंकि ये तीनों ही दल और जो तीनों चेहरे आपने दिखाए ये जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्ट राजनीति के ये पोस्टर हैं। तो इसलिए इनके जो है, इनकी जो जातिवादी राजनीति है, परिवारवादी राजनीति और भ्रष्टाचार की जो नियत जो पहले से इनके ऊपर लगे हुए हैं, तो ये उन सबको देखकर जो है जनता स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें समझती है, उत्तर प्रदेश की जनता हो या बिहार की जनता हो, क्योंकि इनका एक ही मोटिव है कि मात्र मोदी हटाओ एक एजेंडा है और उस एजेंडे के पीछे इनका एक उद्देश्य है कि जो मायावती जी कह भी चुकी हैं ऑन एयर कि भाई मुझे तो केंद्र में एक मजबूर सरकार चाहिए, मजबूत सरकार नहीं बनना चाहिए और बाकी जो है भ्रष्टाचार का सारा वो किस तरह से ये केसों को ख़त्म करना चाहते हैं ये सब कुछ इनको पता है क्योंकि पूरे यदि मायावती जी और अखिलेश जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप देख लें तो आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी लॉजिकल विषय नहीं मिलेंगे, कहीं डेवलपमेंट की बात, कहीं विकास की बात, कहीं कुछ नहीं। और देखिए कितना बड़ा झूठ था उसके अंदर कि जो 93 में काशीराम जी और मुलायम सिंह जी मिले अलीमुद्दीन खान के पास चलते हैं, एक लाइन में खत्म करके सबके पास उन्होंने कहा कि ये जो है हमने मिले थे सांप्रदायिक ताकतों को हटाने के लिए, इसके बाद मायावती जी ने हमारे साथ मिलके ही 3 बार सरकार बना लिया तो हम उस समय सांप्रदायिक नहीं थे। तो ये क्या है, ये एक छलावा है, ठीक है सर, एक झूठ है, सेकंड राउंड में आऊंगा, और एक तरह की सौदेबाजी है। अलीमुद्दीन खान, सामने आपके देश, आपने कहा कि माया अखिलेश से तेजस्वी का मिलना कांग्रेस के लिए बुरी खबर नहीं है क्योंकि राजनीतिक हलकों में यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस पर एक तरह से दबाव है क्योंकि बिहारों में टिकट का बंटवारा भी होना है, ऐसे में तेजस्वी यादव आए हैं कांग्रेस पर दबाव बढ़ाने ताकि यूपी की तरह ही बेबाक जो है एक अपर हैंड ले ले आरजेडी वहां पर। तो आप क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए बुरी खबर नहीं है या कांग्रेस दबाव में नहीं है? देखिए, आपका जवाब देने से पहले मैं इस बात पे आऊंगा जो अभी बोला गया कि और अक्सर बोला जा रहा है कि सब लोग मिल के मोदी जी को हटाना चाहते हैं। क्यों नहीं हटाया जाए मोदी जी को? क्या मोदी जी ने 15 लाख रुपए दिए? क्या मोदी जी दाऊद इब्राहिम को लेके आए? क्या मोदी जी ने बॉर्डर से कहते हैं कि देश के अंदर उग्रवादी हमले नहीं हुए? अरे बॉर्डर पे 400 आदमी मर गए, वो उग्रवादी हमले नहीं है? मेरे सवाल का जवाब दे दें। सुनिए,
मेरे सवाल का जवाब मैं कमिंग टू योर पॉइंट, आपके पॉइंट पे आ रहा हूं सर। अब इसके अलावा आप जहां तक ताल्लुक है तेजस्वी का उत्तर प्रदेश में आना, आप एक चीज को क्लियर समझ लीजिए कि लालू प्रसाद जी की फैमिली और गांधी फैमिली के पारिवारिक रिलेशन भी है पॉलिटिकल रिलेशंस के अलावा, ठीक है। तो जो राज जो जो बिहार के अंदर गठबंधन होगा, सीट शेयरिंग होगी, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और रही यूपी की बात, यूपी के अंदर एक्चुअली आप अगर टेक्टिकल फील्डिंग की जाएगी सारी पार्टियां मिलकर, तो मुझे लगता है कि बीजेपी को 5 सीट आने वाली भी नहीं है। उसका रीजन यह है कि जब हम इन कांग्रेस का आधार 1987 के बाद जब पंडित तिवारी आए थे, वो लास्ट चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद कांग्रेस का आधार खत्म होता चला गया, तो कांग्रेस का आधार उतना वहां पर नहीं है। तो वो वोट को लावारिस छोड़ दिया जाए तो वो वोट क्या, वोटर क्या करता है, फिर उसको चॉइस हो जाती है कि उसको किसके साथ जाना है। तो कुछ वोट उसमें से बीजेपी के इलेक्शन के साथ चला गया था पिछले इलेक्शन में भी, जब अखिलेश जी और राहुल जी साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे थे। तो फिर 80 सीटों पर क्यों लड़ रहे हैं, उस वोट को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो क्यों लड़ रहे हैं, तरफ उसमें से टूट के ना जाए, तो क्यों लड़ रहे हैं सर 80 सीटों पर, फिर आप ऐलान कर दीजिए कि हम नहीं लड़ेंगे। ये नहीं तो आप दे दीजिए ना समर्थन, दे दीजिए सपा बसपा को। लड़ने से, अकेले लड़ने से ज्यादा फायदा है जन इलेक्शन में मोदी जी को हराने के लिए, एक ज्यादा अच्छा गठबंधन बनता है अगर अलग से लड़ते हैं तो। गठबंधन बना के लड़ते तो और ज्यादा अच्छे से हराया जा सकता है। तो देखना यह है कि किस तरह से मोदी जी को इस करप्ट गवर्नमेंट को रफाइल में, जो 500 का 1500 में रफाइल खरीदा गया, तो कांग्रेस ये मान के चल रही है रफाइल खरीदा गए, ये बड़ी बेईमानी की गई, जीएसटी और डेमोनेटाइजेशन में जिस तरह देश को बर्बाद किया गया, किस तरह ऐसे कुशासन को दूर किया जाए। ठीक है सर, डॉक्टर रामानुज प्रसाद मैं आपके पास आऊंगा। देखिए अभी अभी अलीमुद्दीन खान साहब ने एक तरह से स्पष्ट ही कर दिया है कि कांग्रेस जो है वो हारने के लिए लड़ रही है यूपी में। वो 80 सीटों पर वो कह रहे हैं कि अगर अलग अलग लड़ा जाएगा तो ज्यादा आसानी होगी, हारने के लिए लड़ रही है 80 सीट पर, इसका असर नहीं पड़ेगा बिहार में। अरे भाई दीपक जी मैं आपको बताऊं कि आप तोड़ मरोड़ के सामने ही प्रस्तुत कर रहे हो, यही है आपका। यूं तो करें हारने के लिए नहीं, फासीवादी शक्ति को हराने के लिए लड़ा जाएगा। और मैं समझता हूं कि हमारा ये भी ट्रैक्टिकल पॉलिटिक्स होगा, आप देखते रहना कि देश की जनता ही ने मिजाज बना लिया है, और वैसे लोग जिनको इन्होंने अभी छलने का काम किया है वो ला करके कोटा, तो वो कोटा जैसे नोटा का सोटा लगा था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी सोटा लगने वाला है। और वैसे लोग जो इस गठबंधन को लेंगे तो वो कांग्रेस के जो कोर वोट रहे वो होगा, और इसमें भी हमारा टेक्टिकल पॉलिटिक्स होगा। और कहिए देखना, एजेंडा हम लोगों का कॉमन है कि ये जो फांसीवादी शक्ति, संविधान का लुटेरा, बाबा साहब के संविधान को तहस नहस करने वाला, ये जो गुजरात का आके बैठा हुआ व्यक्ति, जो उत्तर प्रदेश को लोगों को ठगने का काम किया, पुरबिया को ठगने का काम किया, गंगा मैया ने बुलाया इसलिए आया है। अच्छा, आपको, गंगा मैया आपको दिक्कत नहीं है कि सपा बसपा ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया यूपी में, आपको दिक्कत नहीं है? अत्याचार है, आपको दिक्कत नहीं है सर? मुलायम का मिलना बड़ी स्वाभाविक और ये आवश्यक था। नहीं, आप इधर टू द पॉइंट बात करें, टू द पॉइंट बात करें सर। सपा बसपा ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, आप खुश हैं? शिवसेना गाली बक रहे, चंद्रबाबू नायडू छोड़ नहीं, आप सवाल पर आए सर, आप मूल सवाल पर आए सर, आप मूल सवाल पर आइए। पटेल वही बोल रही है, राजभर मंत्री में, ठीक है, राजीव रंजन के पास चलते, ठीक है सर आपको पॉइंट ले लिया सर, राजीव रंजन के पास चलते। राजीव जी मुझे ये बताएं कि जी माया अखिलेश का तेजस्वी से मिलना कांग्रेस के लिए बुरी खबर है, इस पर आपने कहा नो कमेंट्स, क्या इतना मुश्किल है इस सवाल का जवाब सर? नहीं, इस सवाल का जवाब हाँ और ना नहीं है, हाँ और ना से अलग हटने के लिए ही तो आपने एक नई श्रेणी बनाई है। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, उत्तर प्रदेश में जो अलायंस वोटों के समीकरण के आधार पर बार बार बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को एक एज दिखाए जाने की कोशिश हो रही है, उसका जवाब जनता देगी। लोग डेवलपमेंट बनाम जातिवादी समूहों के गठजोड़ को पहचानते हैं, और कुछ जो उपचुनाव के आधार पर जिस तरह के हौसले बुलंद हैं उनको आम चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस अगर आप देखें तो कांग्रेस निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में समाप्ति के कगार पर है, और आज तेजस्वी यादव का वहां जाना
ये बिल्कुल साफ साफ है कि हाल के दिनों में कांग्रेस की यहाँ एमएलएस की मीटिंग हुई थी, उसमें एमएलए इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के सामने आकर के रिएक्ट कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की बड़ी हिस्सेदारी होनी चाहिए और ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाने की रणनीति है। तेजस्वी यादव अगर गए हैं मायावती जी से मिलने के लिए, अखिलेश यादव से मिलने के लिए, तो निश्चित तौर पर बिहार में कांग्रेस को हैसियत में रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन अगर कुल मिलाकर कोई समीकरण बन जाए तो आज इस तारीख में नोट कर लीजिएगा, बिहार से लोकसभा की 40 सीटों पर इनकी दाल नहीं गलने जा रही है। 90 से 2005 का बिहार और आज जिस चेहरे के इर्द गिर्द महागठबंधन की पूरी रणनीति दिख रही है, उस चेहरे पर भी आर्थिक अपराध के गंभीर दाग है। इसलिए ये किसी भी सूरत में ये गठजोड़ जनता को छलने का अगर ये दुस्साहस करे भी तो जनता को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं होगा। और ये सीधे तौर पर एनडीए को बढ़त बिहार में तो सीधा है, उत्तर प्रदेश में अगर कुछ लड़ाई अभी दिख भी रही है तो ये केवल एक रणनीतिक कोशिश है उन दलों की और किसी टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग का सवाल नहीं है। कांग्रेस की हैसियत वहां घटी है, ये बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को पता है, जो उनके साथ छत्तीसगढ़ में हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, उसका हिसाब भी उन्होंने उत्तर प्रदेश में चुपचाप राजकुमार भाटी है। तो इस तरह राजकुमार भाटी जो ठीक है सर खेल है ठीक है। राजीव जी मैं आऊंगा फिर सेकंड राउंड में बात करते हैं। राजकुमार भाटी ये भी कहा जा रहा है राजनीतिक हलकों में क्योंकि यूपी में जो है वो कांग्रेस की एक तरह से गठबंधन करने की कोशिश कामयाब नहीं हो पाई, तो अब जो है बिहार से तेजस्वी यादव को लाया गया है ताकि वो मायावती और अखिलेश से बात करें और एक संभावना तलाशें कि कुनबे में कांग्रेस को जगह दी जाए। ये भी एक कयास लग रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि तेजस्वी यादव इसी मकसद से आए थे कि कांग्रेस के लिए कुछ खेमेबाजी, कुछ लामबंदी कर सकें? नहीं, पहले आप अपने आप में तो क्लियर हो जाएं या आप ये तय कर लें कि तेजस्वी यादव कांग्रेस को ठिकाने लगाने के लिए आए हैं या कांग्रेस को बढ़ाने के लिए आए हैं। सर हम तो तमाम आयामों पे बात कर रहे हैं। पहले सवाल में तो आपने कहा कि कांग्रेस को चिंतित होना चाहिए। हम हर पक्ष पे बात कर रहे हैं सर, हम हर पक्ष पे बात कर रहे हैं। कुरबेचन की दीपक जी, मुझे डॉक्टर कुरबेचन की दो पंक्तियां याद आ रही है कि दो चार बार हम जो कभी हंस हंसा लिए सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। मतलब एक बिहार के सबसे बड़े नेता जो आज सबसे ज्यादा जनाधार वाले नेता हैं तेजस्वी यादव, अगर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े दो नेताओं से आके बहन कुमारी मायावती जी से और श्री अखिलेश यादव जी से आके मिलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द है और उनके उनके जो समर्थक हैं उनके पेट में क्यों दर्द है? अभी तो बहुत लोग आएंगे मिलने के लिए, अभी तो असम गण परिषद वाले भी आएंगे, अभी तो शिवसेना वाले भी आएंगे, अभी तो तमिलनाडु से भी लोग आएंगे, अभी तो पश्चिम बंगाल से ममता जी भी आएंगी, अभी तो कितने लोग आएंगे। अभी तो ये एक जो विकल्प जो तैयार हो रहा है देश में, रीजन तानाशाही सरकार के खिलाफ, देश विरोधी सरकार के खिलाफ, जन विरोधी सरकार के खिलाफ, अभी तो ये विकल्प जो आकार लेगा इसमें बहुत लोग आएंगे, मिलना जुलना होगा, बातचीत होगी। ये कयास लगाते रहे, इनका ये चुनाव कयास में निकल जाएगा और इन्हें ऐसी पटखनी मिलेगी कि धूल झाड़ के खड़ा होना भी मुश्किल हो जाएगा इन्हें। ठीक है। और मैं राजीव जी के लिए, भाई साहब राजीव रंजन जी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि 2014 के चुनाव में जब मोदी की पूरे देश में हवा चल रही थी तब आदरणीय नीतीश कुमार जी का मुझे भाषण याद है खूब। उन्होंने कहा था ब्लोअर की हवा है, ये नकली हवा है, आर्टिफिशियल है। उस समय तो ब्लोअर की थी, अब तो कुछ भी नहीं है। अभी ना कौन सी हवा है? इनका साथ छोड़ो और आओ जनवादी ताकतों के साथ, इन देशद्रोही लोगों के साथ क्यों लड़ रहे हो? मुर्दे उखाड़ेंगे तो बहन मायावती ने आपके बारे में क्या कहा वो भी याद कर लीजिए। इतिहास बहन मायावती ने पांच साल पहले, बहुत लंबा समय नहीं होता। उखाड़ेंगे तो आपकी सेकंड राउंड में करते हैं सर, क्रॉस क्वेश्चन सेकंड राउंड में करते हैं। मायावती जी ने सेकंड राउंड में करते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ इनसे आप सेकंड राउंड में करते हैं। सेकंड राउंड में नहीं बैठते इनके साथ आपके। सेकंड राउंड में सर आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं शालीनता के साथ, क्रॉस क्वेश्चन सेकंड राउंड में। अभी अवधेश जी का रिएक्शन ले लेते हैं। अवधेश जी आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है? सवाल यही उठ रहा है, कयास इधर भी होंगे उधर भी होंगे कहीं होंगे, लेकिन आपका राजनीतिक अनुभव, एक पत्रकारिता का अनुभव क्या कहता है? क्यों आए तेजस्वी यादव इस मौके पर? टाइमिंग क्या इंपॉर्टेंट है इस दौरान? देखिए, हमारे मित्र राजकुमार भारती जी को कुंवर विजयन की एक पंक्ति याद आएगी, मुझे निदा फाजली की एक पंक्ति याद आ रही है। इरशाद समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई,
कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं दिखता। तो ये सियासत जरा ऐसी है कि इसको जरा गहराई से घुस के देखनी पड़ती है। जो कुछ नेता बोल रहे हैं वो केवल वही सच नहीं होता है, सच दरअसल उसके पीछे होता है। प्रश्न ये है कि इस समय जब सपा और बसपा का गठबंधन हो गया, उसके बाद तेजस्वी यादव जी को उत्तर प्रदेश आने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? यह एक बड़ा प्रश्न है जिसको सोचना चाहिए, क्योंकि अभी बिहार में गठबंधन फाइनल नहीं हुआ है। कांग्रेस ने 20 सीटों की मांग कर दी है, तो जाहिर है कि वो यहां आए थे, क्योंकि अभी तक तो देश में एक वातावरण बनाया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ एक महागठबंधन बनेगा जिसमें सभी पार्टियां साथ होंगी। मायावती जी ने कह दिया कि हमको तो कांग्रेस से करना ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भी भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस भी सांप्रदायिक है, उसने भी 1975 में इमरजेंसी लगाई। तो तेजस्वी यादव के उत्तर प्रदेश आने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश से जो यह बता दिया गया है कांग्रेस को कि तीन राज्यों में विजय को आप इतना महत्व मत दीजिए कि मोल भाव की आपकी ताकत बढ़ गई है, उत्तर प्रदेश में आप कुछ नहीं है। तो यह ध्वनि बिहार से भी निकलने वाली है कि जितनी सीटें हम दे रहे हैं उतनी सीटों पर आप लड़िए। राजीव रंजन जी कह रहे थे मनोवैज्ञानिक दबाव, उसी को मैं खुल के साधारण भाषा में कह रहा हूं कि जितनी सीटें दे रहे हैं सीटें ये गठबंधन में रहना है, नहीं तो आप स्वतंत्र हैं अकेले लड़ने के लिए। तो ये एक दबाव कांग्रेस पर, तेजस्वी का उत्तर प्रदेश आने पर दबाव बढ़ने का परिचायक है। इसका कारण यह है दीपक कि महागठबंधन की बात सभी करते हैं, लेकिन उसमें बैठाए हैं गठबंधन में और देश जी का जग जाहिर है, सुन लीजिए इनका आर्टिकल हम लोग भी पढ़ते रहते हैं। ये तो भाजपा के प्रवक्ता के रूप में बैठा दिए, नहीं ये कई लोगों को बैठाइएगा। अरे दीपक जी इनको हम लोग भी पढ़ते हैं, हमारे बिहार में रह जाते हैं, सुन लीजिए ये स्वतंत्र पत्रकार का लिख रहे हैं, ठीक है लीजिए रामानंद सुन लीजिए ना, चिल्लाने लगे डॉक्टर रामानंद सुन लीजिए ना, पत्रकार लिखिए सुन लीजिए ना सर, आपने जब बोला किसी ने बीच में नहीं बोला, आप लिख लेंगे इनका आर्टिकल पढ़ते, ठीक है सर, सर वो हम तय करेंगे सर, किसके लिए सर वो हम तय करेंगे। डॉक्टर रामानुज, डॉक्टर रामानुज, डॉक्टर रामानुज आपसे गुजारिश है, देखिए बोलने दीजिए, देश भाई बिहार से ना है, ठीक लिख लेंगे, व्यक्तिगत आक्षेप, व्यक्तिगत आक्षेप, व्यक्तिगत टिप्पणियां यहाँ नहीं बोल देंगे, नहीं नहीं यहाँ नहीं, ये व्यक्तिगत आक्षेप, व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं। रामानुज जी आप कितना कांग्रेस को देने वाले, मैं भी उसी डॉक्टर रामानुज, नहीं डॉक्टर रामानुज एक मिनट, डॉक्टर रामानुज एक मिनट, आप देश जी को बोलने दीजिए, अवधेश जी, अवधेश जी हम लोग जानते हैं, हाँ ठीक है, अवधेश जी, अवधेश जी बात पूरी हो, जानिए ना, लेकिन मुझे बोलने तो दीजिए, काहे को हमारी स्वतंत्रता का दमन कर रहे हैं, मुझे अपनी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि जो विपक्ष में पार्टियां हैं वो कोई नहीं चाहती कि कांग्रेस एक बड़े दबदबे रूप में उभरे, क्योंकि भविष्य में अगर सरकार बनाने की नौबत आए तो इसमें प्रधानमंत्री के दावेदार बहुत है। तो तेजस्वी यादव आए थे, मायावती जी से मिले हैं, तो मोटा मोटी जानकारी यही है कि हम सबको लड़ना है, लेकिन कांग्रेस को एक दबाव में रखना है और उसको सीमित रखना है। ये एक नीति सभी हमारे लोग अलग अलग भी लड़े, लेकिन इस फासीवादी शक्ति को हटाने के लिए, इसलिए संविधान के लुटेरा को, हत्यारा को हटाने के लिए सब गोलबंद हो जाएंगे, इसका प्लॉट तैयार कर चुके हैं। ठीक है के शर्मा मैं आपके पास आऊंगा। के शर्मा, बार बार ये बात कही जा रही है बीजेपी के लिए, और अगर हम आंकड़ों पर भी देखें, अगर 2014 के चुनाव में जितना वोट शेयर आप लोगों का था, अगर वही रिपीट होता है तो अनुमान ये है कि सपा बसपा को 41 सीटें मिल जाएंगी और 39 सीट के आसपास बीजेपी ले जाएगी और कांग्रेस वहीं दो पे रह जाएगी। और हमने देखा कि फूलपुर हो या गोरखपुर का चुनाव हो, हमने देखा कि वहाँ पर बीजेपी के खिलाफ जो गठबंधन बना उसका हश्र क्या हुआ। तो क्या यही माना जा रहा है कि क्या वोट शेयरिंग के लिहाज से ये जो गठबंधन बना है, क्या बार बार यही बीजेपी को बैकफुट पर धकेल रहा है? क्या बार बार बीजेपी गठबंधन पर सवाल इसीलिए उठा रही है क्योंकि रिजल्ट शायद रिपीट ना हो जाए? दीपक जी, मुझे आश्चर्य है कि आप इस तरह से एक विश्लेषण भविष्य का कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि वर्तमान में आ जाइए ना, आज वर्तमान में स्थिति क्या है, बीएसपी जो है 0 सीट, ठीक है, बाई जितना परसेंट आप बता रहे थे उसका परसेंट यानी उनको वोट मिला है तो उनका सीट है 0। सपा का सीट परिवार के 5 लोग जीते, कुल मिला के 5 सीट, हम 73 सीट पर खड़े हैं, आज भी हैं वर्तमान में।
अब आप मुझे बताइए कि इसके आगे आप वर्तमान को मानेंगे या भविष्य की कल्पना लेके उड़ेंगे कि भविष्य में ऐसा हो जाएगा तो ऐसा जुड़ जाएगा तो दोनों की एक हो जाएंगे तो फिर ये लोग हरा देंगे। अरे साहब, ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये जनता वोट देती है, जनता जानती है इनके मुद्दे क्या है, इनके जीत का आधार है इनकी जाति। दो जाति मिलके जो है सारे लोग को, सारी जातियों को हरा देंगे। यदि मैं ये पूछूं आपसे तो ये दो जाति ही तो है, इसका ही तो गठबंधन है, ये दो जाति के नेता है, इसके अलावा क्या है इनके पास? और दोनों के पांच पांच साल के शासन को जो है उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, एक विकास का काम नहीं, दोनों एक दूसरे से भ्रष्ट। और यही बात आज अभी ये गिना रहे थे उनको, आज आप सुनिए ये नारे कौन लगाता था, जड़ गुंडन की छाती पर मुहर लगी की हाथी पर, ये बयान किसका है? ये मायावती का। ऐसे 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 लोग बैठ करके ये कर रहे हैं। डॉक्टर रामानुज मैं आप ही के पास आता, डॉक्टर रामानुज मैं आप ही के पास आता, केके शर्मा एक समाजवादी पार्टी, के शर्मा एक मिनट, डॉक्टर रामानुज मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर रामानुज 14 में डॉक्टर रामानुज का काम किया था वो माहौल, ठीक है डॉक्टर रामानुज, मेरे 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 सवाल का जवाब दीजिए। अभी हमने कहा कि अगर रिपीट होता है तो बीजेपी को नुकसान होता है, वोट शेयर। सर सुन लीजिए ना, सर सुन लीजिए ना, सर सुन तो लीजिए, डॉक्टर रामानुज सुन तो लीजिए। मैंने जो बीजेपी से सवाल पूछा था वो ये कि अगर 2014 के वोट शेयर अगर रिपीट होते हैं तो बीजेपी को नुकसान होगा, इस पर हमने एक विश्लेषण किया। अब एक और विश्लेषण ये कहता है सर कि अगर सपा बसपा 2014 के वोट शेयर में सिर्फ 20% वोट भी अगर इधर उधर हो जाता है तो बाजी पलट जाएगी, बाजी एनडीए के खेमे में चली जाएगी, 74 पे एनडीए आ जाएगी और सपा बसपा माफ कीजिएगा एनडीए 62 पे और सपा बसपा मात्र 18 पे और कांग्रेस तो वही 2 सीट पे रहेगी। तो क्या आप लोग इतना 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 आश्वस्त कर सकते हैं अपने वोटर्स को कि 20% का भी मार्जिन इधर से उधर नहीं होगा, क्योंकि स्टेक पर तो आपकी भी साख है सर जनता के बीच में, सिर्फ 20% की बात है, इधर से अगर उधर हो गया तो बाजी पलट गई। डॉक्टर रामानुज नहीं, ये बिल्कुल सही है कि बाजी पलट ही नहीं जाएगी। ये आपको बता दें दीपक जी कि देश में जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो है, जो हमारे भाई बीजेपी के मित्र कह रहे हैं, तो वो सिनेरियो बदल चुका है। आज हर तबका ठगा हुआ महसूस कर रहा है। नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देने की बात प्रतिवर्ष की गई थी लेकिन नौकरियां समाप्त कर दी गई। 15 लाख रुपए देने की बात की गई थी, अच्छे दिन लाने की बात हुई थी, देश में सारे को पकड़ने की बात हुई थी, कहा गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि हम प्रधानमंत्री नहीं, हम देश के चौकीदार होंगे। सर ये आरोप पब्लिक डोमेन में है, नहीं ये सबका सवाल जनता कांग्रेस की तरफ से भी है, भरम में है कि हम 10% कोटा दे करके, लेकिन आपको सोटा लगेगा सबको। आपने किसको किया, जीएसटी से छोटे छोटे कारोबारी उजर गए, ये हो बदहाल हो गए, ये आरोप पब्लिक डोमेन में है सर, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई सर, ये आरोप हम आए दिन सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अंबानी के लिए देख रहे हैं। तो अडानी अंबानी के लिए ये देश नहीं है, अडानी अंबानी के लिए हम तो विश्लेषण कर रहे हैं सर, हम तो चुनाव का विश्लेषण कर रहे हैं सर। आरोप आपके अपनी जगह जायज होंगे और हमने इन आरोपों को सुना भी। आप वोट होंगे, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बिहार में बात करें, ये पलटू राम जी रात में भाग जाते हैं, ये हमारे बिहार का दीपक जी, सुन लो दीपक जी कह रहे ना, अवधेश जी कह रहे थे कि आप हमारे बिहार में जो कह रहे थे हम संघ मुक्त भारत बनाएंगे, ये गुजरात का हत्यारा आया है, आज वो तलवा चाट रहे हैं, कह रहे हैं इसका कोई शानी नहीं है, नरेंद्र मोदी का कोई शानी नहीं है, यहाँ बालू में दारू में पूरा पर रोज बेटियां लूटी जा रही है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, चारों तरफ का मंच मत बनवाइए, इस तरह से होता है सर। इसलिए बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी, डॉक्टर रावण जी अब सुन लीजिए, ठीक है सर, ठीक है, ये सर आप ये नहीं सर, यहाँ पर हम तथ्यों पे बहस कर रहे हैं सर। कब वोट घटेगा? अलीमुद्दीन खान नहीं, डॉक्टर रामानुज बस डॉक्टर रामानुज आपके पास आ गई।
डॉक्टर राजीव, हाँ राजीव रंजन आप कुछ कह रहे हैं? सबसे पहली बात है जिस तरह की भाषा का ये प्रयोग करते हैं, इसलिए बिहार की जनता ने इनका तड़ी पार कराया था। 2005 के बाद इनका नाम लेवा नहीं बचा था। ये डॉक्टर रामानुज सुन लीजिए, डॉक्टर रामानुज सुन लीजिए ना, इनके पास राजीव रंजन को बोलने दीजिए, राजीव रंजन बोलेंगे, राजीव रंजन बोलेंगे। ये क्या कर रहे हैं आपने फ्रेम में मुझे नहीं लाया है। राजीव आप क्या कर रहे हैं? राजीव आप राजीव रंजन बोलेंगे। फ्रेम में नहीं हो, हाँ राजीव क्या प्रतिक्रिया लीजिएगा? ठीक है आप हैं सर, फ्रेम में हैं आप। आप फ्रेम में मुझे दिखा रहे हैं, अलीमुद्दीन खान को दिखा रहे हैं? सर आप हैं, आप हैं सवाल में, ब्लॉक में, डॉक्टर रामानुज नहीं 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 डॉक्टर रामानुज नहीं, क्या बात करते हैं, लूटने वाले जेल गए। नहीं नहीं डॉक्टर रामानुज का ऑडियो आप डाउन कर दीजिए, डॉक्टर रामानुज का ऑडियो डाउन कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। जाने वाले हैं ये जो ऐसी परेशानी है, ये लुटेरों का जो गैंग है, इस गैंग के ये प्रवक्ता है और ये लूटने की बात करते हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में कानून का शासन स्थापित किया, भ्रष्टाचार पर काबू पाने का काम किया और ये लोग ये पूरी तरह से 90 से 2005 का बिहार अपहरण हत्या डाकेजनी लूटपाट और जिस तरह से जातीय हिंसा हुई, जिस तरह से यहाँ बड़े पैमाने पर नरसंहार हुए, उसके बाद बिहार की जनता ने वरिष्ठ नेता इनको बिहार के बाहर का रास्ता बोलने नहीं देंगे। सर ये नीतीश कुमार जी उम्मीद नहीं करते सर आपसे, सही में रामानुज जी आपसे उम्मीद नहीं करते, डॉक्टर रामानुज हम आपसे उम्मीद नहीं करते सर, अनफॉर्चुनेट है सर। आप आपके अंदाज में हम तो बात नहीं कर सकते हैं, ये तो बहुत मुश्किल है ना सर, सुन लीजिए सर, हम आपसे उम्मीद नहीं करते, पूरे आप सुनने दीजिए कि आपने कितने मिनट बात की। और सबसे पहली बात तो ये है दीपक जी, सर सुन लीजिए ना, अपनी बात रख लीजिएगा, आपको कोई रोक थोड़ी ना रहा है। बिहार की जनता ने ठीक है, बिहार की जनता ने अगर इनको बाहर भेजा तो बिल्कुल साफ है, 22 MLAs की पार्टी इनकी बन गई थी। ये नीतीश कुमार जी का चेहरा था, एक भरोसा और विश्वसनीयता की वजह से दीपक जी कहिए बिहार में इतनी सीटें नीतीश कुमार के जरिए जाएंगे, मोदी जी के पास चले गए, जो उनके डीएनए का टेस्ट पूछे थे कि जो डीएनए प्रूफ करा रहे थे कि डीएनए क्या है, जो नीतीश कुमार का डीएनए करा रहे थे, मोदी जी उन्हीं के पास चले गए, डीएनए की बरामद क्यों चले गए भाई, उन्होंने तो मोदी जी के खिलाफ वोट दिया था, पूरे बिहार के लोगों ने पूरे डीएनए देखो, अरे हमारा डीएनए क्या ढूंढोगे, हमारा डीएनए क्या ढूंढोगे, अपने डीएनए ढूंढो, मोदी जी के समझदार पढ़े लिखे लोग बोलने की भाषा खराब हो गई है, बात करने की तमीज नहीं है, बात करने की तमीज नहीं है, चोरों का डिबेट नहीं चलेगी सर, ऐसे डिबेट नहीं चल पाएगी सर, सर ऐसे डिबेट नहीं, मेरी सबसे गुजारिश है ऐसे डिबेट नहीं चल पाएगी सर। सर एक मिनट, आप भाषा में भाषा की शालीनता हो, सर सुन लीजिए, सब लोग सुन लीजिए सर, सारे लोग सुन लीजिए, भाषा की शालीनता हो, ये हमारी डिबेट का ये पहले अपेक्षा की जाती है, और ये सिर्फ मेरी अपेक्षा नहीं है सर, ये पूरी देश की जनता की अपेक्षा। आप अपने अपने क्षेत्रों के प्रबुद्ध लोग हैं, बड़े वरिष्ठ लोग हैं, आप इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें, हम डिबेट कर रहे हैं, शालीनता से भी बहस की जा सकती है सर, यही हमारी उम्मीद है। बहरहाल मैं अवधेश जी के पास आ रहा हूँ, अवधेश जी के पास आ रहा हूँ, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, अवधेश जी के पास आ रहा हूँ। अवधेश जी मुझे एक न्यूट्रल सा एक रिएक्शन आपसे चाहिए। ये जो आज तेजस्वी यादव ने भी कहा और अखिलेश यादव ने भी कहा कि बिहार और यूपी जो है अब वो देश की राजनीति को तय करेंगे, लेकिन वहां पर जिस तरह से विपक्ष का एक तरह से गठजोड़ हो रहा है उसमें अगर कांग्रेस की भूमिका का विश्लेषण हम करें तो क्या ये सवाल जो उठ रहा है कि साहब जो महागठबंधन होगा, क्या महागठबंधन कांग्रेस मुक्त होगा, क्या ये आरोप सही है सर? और अगर कांग्रेस मुक्त वाकई में महागठबंधन होने जा रहा है तो फिर स्टैंड करेगा? कहना कि कांग्रेस मुक्त होगा ये ठीक नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश में तो महागठबंधन हुआ नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दो पार्टियों ने गठबंधन किया है और दो सीटें इनके लिए छोड़ी है, लेकिन बिहार में गठबंधन चार पार्टियों का होगा, उसको आप महागठबंधन कहें जो भी कहें, तो इसलिए कांग्रेस मुक्त गठबंधन भले ना कहें लेकिन कांग्रेस युक्त होते हुए भी एक दुर्बल कांग्रेस के की उपस्थिति वाला गठबंधन हम जरूर कह सकते हैं, और वो पूरे देश में होना है। मैंने पहले भी कहा, रामानुज जी चिल्लाने लगे थे इसलिए मैं नहीं बोल सका। देखिए उत्तर प्रदेश में तो आपने देख लिया, बिहार में भी रामानुज जी की पार्टी कितनी सीटें कांग्रेस को देंगी ये भी देखना पड़ेगा,
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी कांग्रेस को सीट देने के लिए तैयार नहीं है। तेलुगु देशम मान लीजिए 22 सीटें हैं तो 22 में से कांग्रेस को कितने देगी? कांग्रेस आगे रहेगी या यहां रहेगी? जनता दल एस जो है वो वहां कितनी सीटें देगी कर्नाटक में? तो मुझे ये लगता है जो सो कॉल्ड महागठबंधन है उसमें कांग्रेस जगह जगह रहेगी लेकिन वो दुर्बल स्थिति में रहेगी। एक सवाल जो आपने बाकी लोगों से किया था कि 42.12% वोट जो है बसपा सपा का 2014 में होता है और उसमें करीब 41 सीटों पर दोनों आगे बढ़ जाते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी कमजोर दिखती है इसमें। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और अपना दल का वोट देख लीजिए तो 43.63% है। तो उत्तर प्रदेश में टक्कर तो है, ये बात सही है कि 2014 में ये सारी पार्टियां अलग लड़ी थी तो भारतीय जनता पार्टी को वो टक्कर नहीं मिला था, वो टक्कर है। लेकिन ये सारे वोट गठबंधन होने के बाद उन पार्टियों में ट्रांसफर हो ही जाएंगे, ये मेरा मैं मानता हूं कि ये थोड़ा जल्दबाजी होगा ऐसा कहना। दूसरा बिहार में देखिए, बिहार में एनडीए के पास अभी 51.60% वोट है और जो यूपीए महागठबंधन जिसको कहते हैं उसको 27.20% वोट है। तो दोनों के वोटों में 24% का अंतर है। इसलिए अगर रामानुज जी की पार्टी और कांग्रेस को मिलना है तो इसको 24-25% वोट ज्यादा लाना पड़ेगा एनडीए को हराने के लिए। तो ऐसे भी इस समय जो है उत्तर प्रदेश और बिहार से दिल्ली की राजनीति तय हो सकती है, उसको मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। लेकिन महागठबंधन का या भाजपा विरोधी गठबंधन का रास्ता अंक गणित के हिसाब से और सामाजिक गणित के हिसाब से इतना आसान नहीं है जितना आसान बताया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। राजकुमार भाटी हमारे साथ हैं। राजकुमार भाटी से मैं अब चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। राजकुमार आप सुन पा रहे हैं मेरी बात को? जी मैं सुन रहा हूं। हाँ राजकुमार जी, ये भी कहा जा रहा है, एक और विश्लेषण ये कह रहा है राजकुमार जी कि तेजस्वी यादव जो है वो अपनी जो राजनीतिक जो उनका जो स्टेचर है वो उसको भी स्टैब्लिश करने के लिए आए हैं क्योंकि समाजों के प्रसाद यादव का एक अपना नाम रहा है, उनका अपना मुकाम रहा है। लेकिन 2019 का चुनाव दरअसल एक ऐसा चुनाव पर कोई अपनी राजनीतिक हैसियत को पटल पर रखना चाहता है, तो इस हिसाब से भी देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव खुद को प्रोजेक्ट करने के लिए, खुद की से को स्थापित करने के लिए यूपी में आए और गठबंधन से मुलाकात की और एक एज लेने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इसको किस तरह से देखती है, आपका नजरिया सर? देखिए, बिना लाग लपेट के एक बहुत सीधी सच्ची बात कहूं तो 2019 में कौन कितनी सीटें लेकर आ रहा है राजनीतिक कद इसी से तय होगा। ये कयास लगाने से, अंदाजे लगाने से कुछ नहीं होता। दूसरी बात, जो के शर्मा जी ने बोला और जो अवधेश जी ने भी बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा इनके दोनों ने जो बातें कही। ये अब उन्होंने कहा के शर्मा जी ने, ये तो दो जातियों की पार्टी है, थोड़े से वोट है इनके पास, इन्हें क्या मिलना है, कुछ नहीं है, ये खाता भी नहीं खोल पाएंगे, जीरो सीट थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी इसी गलत फहमी में बनी रहे चुनाव तक, क्योंकि जब ये चुनाव हुआ था आपका गोरखपुर का, तो जब भारतीय जनता पार्टी की सीट मुख्यमंत्री की सीट हार गई थी भारतीय जनता पार्टी, तब इनके नेताओं ने कहा था और खुद मुख्यमंत्री ने कहा था योगी आदित्यनाथ जी ने कि हम तो ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए, हम समझ ही नहीं पाए कि क्या खेल कर रहे हैं। तो अब फिर उसके बाद ये कैराना हारे, कैराना भी इन्होंने यही कहा कि हमने गंभीरता से नहीं लिया चुनाव को। तो ये इसी ओवर कॉन्फिडेंस में और इसी लापरवाही में इस चुनाव में बने हुए हैं, ये बहुत अच्छी खबर है। और ये मैं समझता हूं कि 3-4 सीट आ जाए भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस से पीछे रहने वाली है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर SP-BSP का गठबंधन रहेगा, दूसरे नंबर पर कांग्रेस की सीटें होंगी और तीसरे नंबर पर 3 आ जाए, 2 आ जाए, जितनी भी सीटें आएंगी वो बीजेपी की रहेंगी। के शर्मा, रिएक्शन, ये स्थिति पैदा होने वाली है। के शर्मा साहब, रिएक्शन आपका? ऐसा है दीपक जी, भाटी साहब यदि ख्याली पुलाव खाने के शौकीन है तो खाए, मुझे उनकी उनको बधाई दे देता हूं मैं कि खूब अच्छे से और पुलाव खाए। हम तो जमीन पर खड़े हैं, हमने 2014 में 73 सीट जीता और फिर इसके बाद 2017 में 325 सीट जीता और इनको सत्ता से हमने बाहर रखा और ये अंडर 50 हो गए और आज भी यदि इनको अपने आईना में चेहरा नहीं समझ आ रहा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। उस समय भी ये दो यूपी के दो लड़कों का जोड़ी इनका था, उस समय भी ऐसा ही है, आंकड़े जोड़ के आंकड़ा सुनाते थे और जनता ने इनको वहां पर धाराशाही कर दिया
कि सत्ता से तो बाहर निकाला, ये हालत कर दी कि एक जो है प्रतिपक्ष की नेता बनने की तक की हैसियत नहीं छोड़ी वहां की जनता ने इनको, तो सच्चाई तो ये है क्योंकि इनके काम को यूपी के जनता अच्छी तरह से जानती है, इनके जो है भ्रष्ट चेहरे को अच्छे तरह से पहचानती है, इनकी गुंडागिरी की जो चेहरे है उसको पहचानती है। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि ये तो इनको मुबारक, लेकिन यहाँ जो आज कांग्रेस की स्थिति है जिस पर आप बड़ी गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं, मैं इतना ही कहूँगा दीपक जी, दोनों ही चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो या देश के अन्य क्षेत्र में देख लीजिए, कांग्रेस हाशिए पर खड़ी है और अब कांग्रेस की कोई पूछ नहीं बची है सिवाय इसके कि वो अपने मुंह ततोलेबाजी करे, और वो कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये कि कोई उनको अपने गठबंधन का ना हिस्सा बनाने वाला, यहाँ पे, और ये महागठबंधन तो पहले ही समाप्त हो चुका है। मैं, और एक लाइन और कह दूं, आरजेडी के मेरे मित्र बहुत तेज बोल रहे थे भ्रष्टाचार, जनता की आवाज भी जनाब आप अपने जो नेता है उनकी ही गति देख लीजिए, 70 साल के इतिहास में ठीक है, आलोक वर्मा को हटा दिया, ठीक है ओके ओके ठीक है, चलिए अब वक्त है जनता की आवाज सुनने का, हमने अपनी जनता से आज का कड़क सवाल पूछा था और अब वक्त है जनता के कड़क सवाल के जवाब लेने का, और बड़ा दिलचस्प जवाब आया है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि हमने अपनी जनता से कड़क सवाल में दरअसल कौन सा सवाल पूछा था। देश की जनता से आज का कड़क सवाल था, क्या महागठबंधन में कांग्रेस की भूमिका लगातार सिमटती जा रही है, और ऑनलाइन पोल के रिजल्ट्स अब आ चुके हैं, बड़ा दिलचस्प रिजल्ट आया है, क्या कहती है जनता, 84% जनता कहती है हां महागठबंधन में कांग्रेस की भूमिका लगातार सिमटती जा रही है, और सिर्फ 16% लोग मानते हैं कि नहीं कांग्रेस की भूमिका अभी भी मजबूत है, सिमटरी नहीं जा रही है। तो यह है हमारा ऑनलाइन पोल का रिजल्ट, हमारी देश की जनता ने महागठबंधन में कांग्रेस की भूमिका को लगातार सिमटता हुआ बताया है, इसके पक्ष में वोट दिया है। और इसकी शुरुआत में मैं करना चाहूंगा अलीमुद्दीन साहब से, अलीमुद्दीन से हम बहुत देर से जुड़े भी नहीं हैं, उनकी बात को बार बार काट भी दिया गया, मैं तमाम पैनल से गुजारिश करूंगा हम आखिरी सेगमेंट में जा चुके हैं इसलिए बोलने दें, अपनी बारी का इंतजार करें, मैं सबके पास आऊंगा, हर किसी को बोलने का मौका मिलेगा। अलीमुद्दीन साहब आपका रिएक्शन इस जनता के इस पोल पर। देखिए जनता जो देश की जनता है वो देश की जनता समझ चुकी है कि मोदी जी ने दुनिया के सामने पूरे देश के सामने जो झूठ बोला, रफाइल का जो करप्शन हुआ, आज मैं एक चैलेंज दे रहा हूं बीजेपी को, अगर ये इतने कॉन्फिडेंट हैं तो ये महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव लोकसभा के साथ करा लें, दोनों जगह पर इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, असेंबली में भी और लोकसभा में भी, लोग इनको वोट देने वाले नहीं हैं, कांग्रेस एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर के इस देश के अंदर आएगी, बीजेपी 120 सीट से ऊपर क्रॉस नहीं कर रही है 2019 इलेक्शन में, ये सारा सर्वे मैं आपको बता रहा हूँ, और हम फिर से डिबेट करेंगे, आपको आपके सामने आएगी, कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, लेकिन कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये सारे घटक दल मिलके तय करेंगे। मैं ये आपने कहा कि यूपी के बारे में कांग्रेस को तो हरा दिया, नहीं कांग्रेस को हराया नहीं, 2009 रिपीट होने जा रहा है यूपी के अंदर, कांग्रेस बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगी, लेकिन बीजेपी को मुझे नहीं लगता जो भाटी जी एक दो सीट दे रहे थे वो भी मिलने वाली हैं। ठीक है सर, ठीक है, डॉक्टर रामानुज प्रसाद आपसे मैं आपके पास आऊँगा, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, एक तो पहला कि ये जो जनता कह रही है कि कांग्रेस की भूमिका लगातार सिमटती जा रही है, जो ख्वाब देखकर राहुल गांधी चले थे वो शायद वो पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन आपसे सवाल यही है कि बतौर एक गठबंधन के सहयोगी होने के, क्योंकि महागठबंधन की शुरुआत बिहार की धरती से ही हुई थी, विपक्ष का एकजुट होना, और तेजस्वी यादव भरसक कोशिश कर रहे हैं कि ये कुनबा एकजुट रहे, लेकिन अगर यदि कांग्रेस की भूमिका लगातार सिमटती जाती है सर, तो क्या आपको लगता है बिना कांग्रेस के भी जो महागठबंधन का कुनबा है वो इतना स्ट्रांग है कि वो एनडीए को या मोदी सरकार को चुनौती दे पाए? नहीं नहीं ऐसा है ना दीपक जी कि कांग्रेस की भूमिका सिमट, आप लोग जो सर्वे करते हैं उसका साइज अब सैंपल क्या होता है ये जग जाहिर है, और मैं कहता हूं कि साहब आप उतने में ये नहीं करिए, कोई भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है, इस बार का चुनाव मोदी भर से जनता होने जा रहा है,
कांग्रेस और हम और सपा और बसपा ममता कहाँ रहे उसे मतलब नहीं, हम लोग काम करेंगे। इस बार का चुनाव जनता वर्सेस मोदी है। मैंने कहा था एक डिबेट पर उन राज्यों के जो 5 राज्य के चुनाव हुए वहाँ भी मेरा यही कमेंट मैंने पास किया था कि साहब ये जनता वर्सेस मोदी नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। देश के लोगों को ठग देख रहे आनंद फानन में कौन कौन निर्णय ला रहे, और पहले 56 इंच के सीना वाला ने देश के दुश्मन को तो नहीं ठीक किया, देश के लोगों को ठीक कर दिया नोटबंदी से, जीएसटी से, गब्बर सिंह टैक्स से। आज आप स्लैब घटा रहे हो, आप 28% से आप उसको व्यवहारिक कर रहे हो। पहले लूट करके अडानी अंबानी के खजाने में भरने का काम किया। ये सारे लोग ठगे गए हैं, नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब, गुरबा, अगरा, पिछड़ा, सारा तबका। अब उनको नर्स करने के लिए, उनको एपीज करने के लिए हम आपके लिए आरक्षण लेके आ गए, कुछ और लेके आ जाइए, सबरीमाला लेके आ जाइए, मंदिर बनाने के लिए के आ जाइए, लेकिन आप बचने वाले नहीं हैं, जनता के चित से उतर गए हैं। ठीक है सर, ठीक है। राजीव रंजन, मैं आपके पास आऊंगा। एक बड़ा दिलचस्प सवाल जो है, जो अक्सर पूछा जाता है, मुझे लगता है कि खुले प्लेटफॉर्म पर यह सवाल आप लोगों से पूछा नहीं जाता, लेकिन ये बड़ा दिलचस्प सवाल है सर, कि एनडीए के लिए क्या क्या मुश्किल क्या होगी? एनडीए के लिए मुश्किल ये होगी कि महागठबंधन विद कांग्रेस, या एनडीए के लिए मुश्किल ये होगा महागठबंधन विदाउट कांग्रेस? क्योंकि एनडीए और मोदी सरकार की तरफ से बार बार इस तरह के बयान आते रहते हैं कि अगर कांग्रेस की भूमिका अगर रहे तो फिर चुनाव का रुख पलट सकता है, लेकिन फिलहाल एनडीए कैसे देखता है इसको? ज्यादा मुश्किल क्या हो गया एनडीए के लिए, कांग्रेस महागठबंधन विद कांग्रेस या महागठबंधन विदाउट कांग्रेस? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि क्षेत्रीय क्षत्रपों ने राहुल गांधी के नेतृत्व को नकार दिया है, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो केसीआर हो, चाहे वो लेफ्ट का सवाल हो, या आप देख लें उत्तर प्रदेश ने तो पूरी तरह से कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। लेकिन कुल मिलाकर के जब मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट जहां भी होते हैं तो रूलिंग अलायंस के लिए रास्ता ज्यादा सहज और आसान हो जाती है, और इसीलिए हमारा ये मानना है, ये सवाल आपका बिहार सेंट्रिक नहीं है, बिहार के लिए तो मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, ये जो पलटू राम बोलने वाले लोग हैं ना, इनका हिसाब जनता कर देगी, इनको हैसियत जनता बताएगी, और ये इतिहास में दफन होने जा रहे हैं। डीएनए का रिपोर्ट आ गया था, पूरे देश के संदर्भ में मैं एक बात आपको कह देता हूँ की जनता कि पहले ये बात कही जा रही थी, रामानुज सुन लीजिए ना, आपकी पूरी बात किसी ने आपको टोका नहीं सर, बीच में डॉक्टर रामानुज किसी ने आपको नहीं टोका सर, किसी ने आपको नहीं टोका सर, आप भी बोलने दीजिए सर। टोका की बात हो रही नरेंद्र मोदी का आ गया, ठीक है आपको किसी ने टोका, फिर आपको हर बहस में हम लोग डिस्टर्ब करेंगे ना रामानुज जी, फिर आपका हम लोग पूरी तरह से यही काम करते रहेंगे नरेंद्र मोदी जी। देखिए एक बात बिल्कुल साफ है, पूरे देश में जो वातावरण है, ये 3 राज्यों में भी चुनाव के जो विश्लेषण है बिल्कुल स्पष्ट है, स्थानीय नेतृत्व को काफी कमतर आका जाना भी आके जाने के बाद भी उन्होंने बहुत ही मुश्किल से अपनी सरकारें बचाने में उनको कामयाबी नहीं मिली, ये ठीक है, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन राज्यों में भी सकारात्मक नतीजे आएंगे, और पूरे देश में कांग्रेस सिमट रही है, क्षेत्रीय छत्रपों की अराजकता, उनकी वंशवादी सोच और भ्रष्टाचारी नेतृत्व, तो इन सभी क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं पर इन्फोर्समेंट एजेंसीज का जितना दबाव ठीक है राजकुमार वो बिल्कुल साफ है कि जनता के हितों से मतलब नहीं है। राजकुमार जी आपका रिएक्शन, आपसे भी वही सवाल सर, राजकुमार नहीं सर, राजकुमार जी को बोलने देते हैं, उनका नंबर है। राजकुमार आपसे वही सवाल, जनता के इस पोल पर उस रिएक्शन पर आपका क्या क्या प्रतिक्रिया है, और क्या आपको लगता है कि बिना कांग्रेस के महागठबंधन का कुनबा इतना स्ट्रांग हो पाएगा कि वो एनडीए और बीजेपी को टक्कर दे सके? सर देखिए, आपके कड़क सवाल पे तो मेरी ये प्रतिक्रिया है कि आप कभी ये कड़क सवाल भी पूछिए कि एनडीए की क्या पोजीशन होने जा रही है, कितने लोग इनको छोड़ छोड़ के भाग गए, बिहार में कुशवाहा जी भाग गए, महाराष्ट्र में शिवसेना भाग गई, वो असम में असम गण परिषद भाग गई, उत्तर प्रदेश में राजभर इनको गाली दे रहे हैं जो इनके सरकार में मंत्री हैं, क्या इनके कई एमपी चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं, कितने डरे हुए लोग हैं, सबको दिखाई दे रहा, इस देश में साफ साफ दिखाई दे रहा, ये अभी भी इनके ऊपर अहंकार का चश्मा लगा हुआ है, और एक वो बीमारी होती है ना रतौंधी की, उसमें ना थोड़ा ज्यादा आगे दिखाई देता है ना पीछे, बहुत थोड़े से एरिया में दिखाई देता है, ठीक है तो इन्हें वो हो गई है, ठीक है ये देखना नहीं चाहते
ठीक है सर, वरना तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बुरी तरह हार रहे हैं इस चुनाव में। ठीक है, ठीक, के शर्मा साहब आपसे भी रिएक्शन भी ले लेते हैं और प्रतिक्रिया भी दोनों। मैं भाटी जी की बात पर सिर्फ इतना कह दूं, हाँ, कि शायद उनको एनडीए की गणित नहीं पता है। हम पिछली बार 2014 में जब आए थे तब हम 24 दलों की गठबंधन थी, आज 35 दलों का गठबंधन है, 35। लेकिन ये भागने की जो बात बता रहे हैं, हमारी तो अमित शाह की भाटिया साहब, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव मुलायम सिंह को छोड़ के भाग गए हैं, अपने पिता को छोड़ के भाग गए हैं। वो पहले समझ लीजिए, ये तो गठबंधन दल है लेकिन वो अपने पिता को छोड़ के भाग गए उसका मुझे 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 डायलॉग ऑफ द डे भी लेना है सर। सर डायलॉग ऑफ द डे मैन ऑफ द मैच भी देना है मुझे अभी। अवधेश जी आपका रिएक्शन, फाइनल रिएक्शन सर। अवधेश जी आपका रिएक्शन सर। देखिए आपने जो सवाल किया है, असल में राष्ट्रीय स्तर पर इस समय कांग्रेस इतनी सबल पार्टी नहीं है कि मैं ये कह दूं कि कांग्रेस युक्त या कांग्रेस मुक्त। 9 राज्यों में कांग्रेस अकेले है, बाकी के राज्यों में जो बड़े राज्य हैं ना, बड़े राज्य जो है उनमें 9 में, बाकी राज्यों में कांग्रेस दूसरे पर निर्भर है। हाँ। इसीलिए एनडीए के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग चुनौतियां होंगी, लेकिन 2014 से ज्यादा चुनौतियां इस बार है, वो बिल्कुल साफ दिख रहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं बिल्कुल ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। हाँ। कि कांग्रेस की स्थिति 2014 जैसी रहेगी और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी आज की स्थिति में 2014 की स्थिति में रहेगी। जरा मार्च फरवरी मार्च आने दीजिए, एक वातावरण बनने दीजिए तो दिखाई देगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये वक्त जैसे एनडीए में से कुछ लोग गए हैं वैसे ही कांग्रेस को छोड़ के भी लोग जा रहे हैं। हमारे देश में राजनीति सिद्धांतों पर नहीं है कि बिल्कुल एकदम जो साथ है साथ ही रहेगा। ठीक है सर, और जैसे हमारे शो का फॉर्मेट रहा है, हमें बहुत जल्दी से डायलॉग ऑफ द डे और मैन ऑफ द मैच की घोषणा भी करनी है। बड़ा दिलचस्प होता है ये वाला मोमेंट। डायलॉग ऑफ द डे गया है राजकुमार भाटी साहब को, सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। चार बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए, मतलब एक ठीक है सर। और अवधेश कुमार जी को जाता है मैन ऑफ द मैच, सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता कभी दर्पण नहीं दिखता। तो ये सियासत जरा ऐसी है कि इसको जरा गहराई से घुस के देखनी पड़ती है। चलिए तो राजकुमार भाटी और अवधेश जी आप दोनों को बहुत बहुत बधाई डायलॉग ऑफ द डे और मैन ऑफ द मैच के लिए। और ये कहना भी ज़रूरी होगा यहाँ पर कि डायलॉग ऑफ द डे और मैन ऑफ द मैच ही सिर्फ इस डिबेट के पैरामीटर्स नहीं है। उन तमाम लोगों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर के शर्मा साहब आपका शुक्रिया, अलीमुद्दीन खान साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर रामानुज प्रसाद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राजीव रंजन जी आपका भी शुक्रिया, राजकुमार भाटी और अवधेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा अवधेश जी ने कहा कि कुल मिलाकर अभी थोड़ा और वेट करना होगा क्योंकि कुनबा दोनों तरफ से अनस्टेबल फिलहाल लग रहा है, चाहे एनडीए की बात करें चाहे यूपीए की बात करें, दोनों ही कुनबे जो हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 2019 के चुनाव में वो पुरजोर तरीके से न सिर्फ टिके रहें बल्कि जनता के दिलों में भी उतरने की कोशिश करें। लेकिन असली तस्वीर साफ होगी जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती है, और तब तक के लिए हम सबको करना होगा इंतज़ार और फैसला छोड़ना होगा जनता के हाथ। फिलहाल देश की बात में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।